खबर नागदा से। नागदा पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग बीजेपी कार्यकर्ता ने किया स्वागत। सारंग की मौजूदगी में ली सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता। कल देर शाम मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विश्वास सारंग नागदा पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सारंग का जोरदार स्वागत किया। मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह सीएम थे केवल रिमोट कंट्रोल थे, जिसका रिमोट सोनिया जी के हाथों में था। जैसा सोनिया जी कहती थी मनमोहन जी वैसा करते थे। सारंग ने यह भी कहा, मोदी जी की सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। कोरोना समय में मोदी वैक्सीन ने इंडिया में लाखों लोगों की जान बचाई। विश्वास सारंग ने कांग्रेस के जिला महामंत्री रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार और उनके समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में ज्वाइन कर रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुडाला, विधायक बहादुर सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई गंगा निकलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसके आगे उन्होंने क्या लिखा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ जो नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की यही तो भावना है। इसीलिए तो गरीब के घर में वो रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी हर घर में टॉयलेट बनवाते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी 5 लाख रुपए तक का इलाज लोगों को मुफ्त कराते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार देते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी महिलाओं को आरक्षण देते हैं, हर क्षेत्र में विकास और कल्याण को आगे बढ़ाते हैं। तो दुष्यंत चौधरी ने क्या लिखा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग। जोरदार आवाज भारतीय जनता पार्टी के इस सम्मेलन हमारे बब्बू भैया की वापसी, उनके पूरे मित्रमंडल की वापसी का घर वापसी, जहां से बब्बू भैया ने छात्र राजनीति से कार्य करना चालू करा और युवा मोर्चा सब दो काम करते हुए, मैं भी बैठे करके सोच रहा था तो अभी श्रीवास्तव क्या है कि हम लोग तो साथ के बब्बू भैया अभी श्रीवास्तव हम सब ने युवा मोर्चा में साथ में काम किया, विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चा में और फिर बात की, लेकिन किसी कारणवश बब्बू भैया का गुस्सा भी बहुत आता है रूल जाते पर मान नहीं जा। आज उनके घर वापसी के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे यशस्वी कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मेरे भाई आदरणीय विश्वास जी सारंग साहब, भारतीय जनता पार्टी के नागदा के लोकप्रिय विधायक, ये विधायक का मैं संत दादा ऐसे डॉक्टर से बहादुर सिंह जी को हूँ। खबर भारत वर्ष के लिए नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।